हेलो एंड वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी मेरा नाम है शनिक भंडारी और आज के इस वीडियो में हम पीआई इंडस्ट्रीज इस कंपनी का एक डिटेल रिव्यू करने वाले हैं हमने इस कंपनी को काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी कवर कर लिया है ऑलमोस्ट लास्ट एक साल पहले तो उसी के बाद कंपनी में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है इसके बारे में और अभी रिसेंटली कंपनी क्या क्या फ्रंट्स पर काम करी है इन सब चीज़ों के बारे में हम आज इस डिटेल रिव्यू के वीडियो में बात करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम देख लास्ट टाइम जब हमने कंपनी को देखा था तो उसका बिजनेस मॉडल कैसा था सो कंपनी टू फ्रंट्स पे काम कर रही थी एक था उनका एक्सपोर्ट बिजनेस एंड द सेकेंड वॉज द डोमेस्टिक बिजनेस एक्सपोर्ट बिजनेस में कंपनी कस्टम सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम करती थी और डोमेस्टिक बिजनेस में इन लाइसेंसिंग कोब मार्केटिंग एंड ब्रांडेड जेनेरिक्स में कंपनी का काम करती थी लेकिन अगर हम आज की बात देखें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल ये थोड़ा और एक्सपांड हो गया है सो पीआई इंडस्ट्रीज ने एक नया वर्टिकल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है दैट इज द फार्मा बिजनेस इसमें कंपनी सी एंड सी दोनों ही बिजनेस में ऑपरेट कर रही है सी इज़ बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड सी इज़ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन सो रिसर्च के फ्रंट uh, में जो चीज़ें लगती है जो भी बड़े प्लेयर्स जो मॉलिक्यूल्स uh, इनोवेट करते हैं तो उनके पहले उन मॉलिक्यूल्स को डेवलप करने के पहले जो चीज़ें करनी पड़ती है रिसर्च के रिगार्डिंग या फिर प्री क्लिनिकल टेस्ट वगैरह जो कंपनीज का आउटसोर्स कर देती है तो वो काम पी इंडस्ट्रीज़ कर रही है एंड एक बार मॉलिक्यूल्स डेवलप हो जाते हैं तो ए बनाने का काम भी यहाँ पर पी इंडस्ट्रीज़ कर रही है सो so, इसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे लेकिन सबसे पहले हम कंपनी का रेवेन्यू मिक्स देख लेते हैं सो दैट वी विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि हाउ द मिक्स हैज़ इवॉल्व ओवर द ईयर्स सो एफ आई सेवनटीन में ऑलमोस्ट नाइन हंड्रेड करोड़ का रेवेन्यू फॉर्मुलेशन बिजनेस से आता था यानी फार्मुलेशन इज नथिंग बट दैट डोमेस्टिक बिजनेस और वहीं एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स एंड इंटरमीडिएट्स वाला जो बिजनेस है यानी कि जो हमारा कस्टम सिंथेसिस एंड मैनुफैक्चरिंग वाला बिजनेस है या एक्सपोर्ट वाला जो बिजनेस है दैट हैज़ ग्रोन वेरी

कोर्सी कर रही है ओवरऑल नेट रेवेन्यूज़ की बात करें एफ आई सेवनटीन एटीन में जब एक्साइज़ हुआ करता था तो एक्साइज़ डिडक्ट करके अगर हम नेट रेवेन्यूज़ का ग्रोथ देखें तो नाइनटीन परसेंट का सी ए जी आर ग्रोथ एफ़ आई सेवनटीन से एफ आई ट्वेंटी फोर तक हमें इस कंपनी ने कंपनी में देखने को मिला है अगर कंपनी के सेगमेंट वाइज मिक्स की बात करें तो एज़ ऑफ एफ आई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड इंटरमीडिएट्स का जो बिजनेस था यानी कि जो सी वाला बिजनेस था वो 62 परसेंट रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता था एंड 38 एट परसेंट फॉर्मुलेशन्स वाले बिजनेस से आया करता था वहीं एफ आई की अगर हम बात करें तो सेवेंटी का रेवेन्यू हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस से आ रहा है सो काफ़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ जो कंपनी की आई है दैट इज़ कम इन दिस इंडिया बिगेस्ट सेगमेंट तो ये सबसे फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है एंड दैट इज़ अ गुड साइन कि कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस ही सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है एटलीस्ट दैट दैट इज़ वॉट वी हैव सीन फ्रॉम एफ आई सेवेंटीन टू एफ आई ट्वेंटी फोर इसके बाद अगर कंपनी की जोग्राफिकल मिक्स की बात करें तो पहले इंडिया का जो रेवेन्यू था वो अराउंड 40 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था डोमेस्टिक रेवेन्यूज का लेकिन दैट हैज़ नाउ चेंज द ऑफ दिस कंपनी हैज़ चेंज एंड नॉर्थ अमेरिका बिजनेस जो है दैट इज़ नाउ द द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द कंपनीज़ रेवेन्यू फोर्टी रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका से डिराइव होता है वहीं डोमेस्टिक रेवेन्यू एटीन का कॉन्ट्रीब्यूशन लाता है कंपनी के लिए इसके साथ साथ आउटसाइड इंडिया जो रेस्ट ऑफ़ द एशिया है वहाँ से ट्वेंटी थ्री परसेंट का रेवेन्यू आता है जापान एक क्लाइंट इनका बहुत कंट्रीब्यूटर है इंडिया रेवेन्यूज उसके साथ साथ यूरोप में देखें तो ट्वेल्व परसेंट का रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है सो so, एक आ, काफी ज़्यादा फास्ट ग्रोथ देखने को मिली है इन द नॉर्थ अमेरिकन रीजन इसका यही रीज़न था जो वाला बिजनेस है मोस्ट ऑफ विच आर यूएस बेस्ड तो इसी वजह से नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ट्वेंटी थ्री परसेंट से बढ़कर फोर्टी फोर परसेंट पर आ चुका है एज ऑफ एफ आई ट्वेंटी का एक्सपोर्ट बिजनेस उसके बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू हम यहाँ पे देखते हैं एग्रोकेमिकल वैल्यू चेन जो होती है उसमें आ, एक रॉ मटेरियल होते हैं रॉ मटेरियल से इंटरमीडिएट बनते हैं इंटरमीडिएट से एक्टिव इंग्रीडियंट बनते हैं जिन्हें टेक्निकल्स भी कहा जाता है और टेक्निकल्स के बाद फार्मूलेशनस बनता है और फार्मूलेशन मार्केट में जाके सेल होते हैं सो इंटरमीडिएट्स बनाना ये बहुत ही आर एंड डी फोकस जॉब होता है जो बड़े बड़े इनोवेटर कंपनीज करती है लाइक बी एस एफ बी एस एफ सिंजेंटा तो ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो ये बिजनेस में इन्वॉल्व होती है वो बहुत सारा रिसर्च करते हैं एंड उसके बाद एक मॉलिक्यूल डेवलप करते हैं जिन्हें इंटरमीडिएट्स कहा जाता है अब ये मॉलिक्यूल जब बन जाता है तो बड़ी कंपनी जिनका मेजर की रोल इज रिसर्च जो अपने रिसर्च को सेंधन करना चाहते हैं वो ए या एक्टिव इनग्रीडियंट्स uh, का जो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग uh, का पार्ट जो है वो पी इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी को देते हैं पे जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्टीज़ है और ऐसी पेटेंट लॉस बहुत है इन्वेस्टमेंट uh, कर रही है जस्ट टू डेवलप वन फॉर्म तो उनके लिए अपने फॉर्मूले का जो सिक्योरिटी uh, है वो बहुत जरूरी है एंड पी इंडस्ट्रीज का जो स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है लॉन्गर ट्रैक रिकॉर्ड दैट इट हैज ऑलमोस्ट थ्री डेकेट से कंपनी इस सेगमेंट में काम कर रही है सो so, uh, ये एक बहुत ही अच्छा uh, उनका जो इमेज बन गया इन द ओवरऑल ग्लोबल मार्केट सो वो एक बहुत ट्रस्टवर्दी फैक्टर यहाँ पर डेवलप हो गया है कंपनी के लिए एंड दिट इज वन ऑफ द की मोट दैट दिस कंपनी हैज बिकॉज हर कोई कंपनी ऐसे कोई नए प्लेयर्स को नहीं चांस देंगी व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिंग द मॉलिक्यूल्स सो पीआई इंडस्ट्रीज का जो यहां पे रोल आता है उनका एक्सपोर्ट बिजनेस का या उनका कस्टम सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग का वो आता है इन द थर्ड पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन वो एक्टिव इंग्रीडियंट्स डेवलप करते हैं फॉर बिग इनोवेटर्स एंड इसके बाद ये जो एक्टिव इंग्रीडियंट्स होते हैं ये सप्लाई uh, कर देते हैं टू वेरियस इनोवेटर्स बैक और वेरियस केमिकल कंपनीज जो फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाती है जिन्हें फॉर्मुलेशंस भी कहा जाता है पी इंडस्ट्रीज़ भी कुछ फार्मुलेशन फ्रंट पे काम करती है बेसिकली ये पूरा डोमेस्टिक ओरिएंटेड बिजनेस है फॉर एग्जांपल अगर क्यूमिया केमिकल जो जापानीज इनका एक पार्टनर है इनका जिन्हें ये एक्टिव इंग्रेडिएंट सप्लाई करते तो उनका जो फॉर्मुलेशंस का बिजनेस है डोमेस्टिक इंडिया के परस्पेक्टिव से जापान के लिए जो जापानीज कंपनी के लिए जो इंडिया का बिजनेस है वो रूट होता है वाया पी इंडस्ट्रीज सो दैट इज हाउ द अरेंजमेंट इज फॉर दिस कंपनी अगर हम सी एस की ऑर्डर बुक देखे तो लास्ट uh, कुछ सालों में इंक्रीज तो देखने को मिला है लेकिन क्यू थ्री एफ के बाद लास्ट एक डेढ़ साल से हमें ऑर्डर बुक में थोड़ा सा uh, एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है इसका रीज़न यह है कि ग्लोबल केमिकल मार्केट जो है वहाँ पे ग्रोथ जो है वो सबड्यूड है केमिकल साइकल्स अभी डाउन टर्न में है इसी वजह से कंपनी की ऑर्डर बुक जो है वो बहुत uh, बढ़, बढ़ती हुई नहीं नजर आई है लेकिन द uh, गुड उ पार्ट अबाउट दिस ऑर्डर बुक इज़ कि डिस्पाइट द डाउन टर्न यहाँ पे हमें बहुत सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को नहीं मिला है एंड दैट इज समथिंग दैट वील ऑलवेज बी हैप्पियर टू लुक एट कि अगर कंपनी अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट तो कर ही रही है उसके साथ जितना एग्जीक्यूशन वो कर रहे लगभग उतने ऑर्डर बुक भी उनकी बढ़ते जा रही है सो so, ये भी एक अच्छा साइन है स्पेशली वेन द सेक्टर ओवरऑल सेक्टर ग्लोबल परस्पेक्टिव से अगर हम बात करें तो ये एक डाउन टर्न में यहाँ पर यह सेक्टर चल रहा है सो ग्लोबल पर्सपेक्टिव की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो कुछ की नंबर्स देख लेते हैं सो so, जो भी इनोवेटर कंपनीज है जो सेकेंड पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन में फंक्शन करती है फॉर एग्जाम्पल बेयर कॉप है बी एस एफ है कॉर्टेवा है एफ एम सी है तो ऐसी कंपनीज़ का जो वॉल्यूम ग्रोथ रहा है लास्ट कुछ क्वार्टर्स में उसका ट्रेंड जो है वो नेगेटिव साइड पर दिख रहा है कैलेंडर ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री से लेके क्यू वन कैलेंडर ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इस

बड़ा रीज़न है दैट इज़ चाइना सो चाइना में चल क्या रहा है कि वहाँ का जो डोमेस्टिक डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा सबड्यूड हो गया है एंड उसके वजह से जो चाइना का प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो इस वजह से ग्लोबल जो सप्लाई है वो बढ़ गया है एंड डिमांड जो वो है वो ऑलमोस्ट उतनी ही रही या डिमांड में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है डिमांड साइड पर अगर हम बात करें तो जो मेजर क्रॉप्स है जहाँ पे केमिकल्स ऐसे uh, एग्रोकेमिकल्स सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं दैट इज़ वीट वीट कॉर्न एंड सोयाबीन सो इन तीनों ही मेजर uh, क्रॉप्स की जो ग्लोबल प्राइसेस है वो अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से ट्वेंटी परसेंट से भी ज़्यादा बिलो दया लॉन्ग टर्म एवरेजेस ट्रेड हो रहे हैं लास्ट थ्री मंथ्स है सो so, uh, इसी वजह से जो फार्म इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें कि फार्म Farm, फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से अगर उन्हें अपने आउटपुट का कम रेट मिलता है तो उन्हें कहीं ना कहीं कॉस्ट कट करनी पड़ती है एंड इसी वजह से जो एग्रोकेमिकल्स का यूसेज है वो ऑन अ लोअर साइड देखने को मिला है तो जो डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है इसी वजह से प्राइसिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस इंडस्ट्री में एज ऑफ नाउ सो अंटिल एंड अनलेस चाइना का जो डोमेस्टिक डिमांड है वो रिज्यूम नहीं होता है और उनका जो एक्सपोर्ट है वो अगर कम ना हो जाए तब तक कि ये प्रेशर्स जो है वो कंटिन्यू हो सकते हैं वहीं अगर चाइना की अगर हम और बात करें तो चाइना का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो ट्रिमेंडेस देखने को मिला है एक्सपोर्ट क्वांटिटी लास्ट वन ईयर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है इसका एक आ, ये ग्रोथ का एक और रीज़न है कि बेस इफेक्ट भी यहाँ पर प्ले हुआ है कि आ, जब प्राइसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे इन टू टू तो वहाँ पर वॉल्यूम कम हो गई थी एंड अभी वॉल्यूम हैज़ स्टार्टेड टू रिज्यूम और प्राइसेज जो है एक्सपोर्ट प्राइसेज दैट आर कमिंग टू दियर लॉन्ग टर्म एवरेजेस तो चाइना का लेकिन अभी भी हम वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो ऑलमोस्ट uh, जनवरी uh, से अगस्त का वॉल्यूम ग्रोथ दैट दैट इज ग्रोथी थ्री परसेंट सो ऐसे केमिकल का एक्सपोर्ट रिलेटेड ग्रोथ कंपनीज में देखने को मिला है सो दिस वॉज ऑल अबाउट वॉट इज गोइंग ऑन द एग्रोकेमिकल सेक्टर फ्रॉम द ग्लोबल फ्रंट अभी कंपनी स्पेसिफिक इशूज के बारे में हम बात करेंगे सो so, जो लोग इस कंपनी को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे कि दिसंबर 2023 में इस कंपनी का जो स्टॉक है वो दो या तीन दिनों में ही तेरह से चौदह परसेंट का डिक्लाइन इस स्टॉक ने देखा था एंड इसका जो रीज़न ये था वाज बेस्ड ऑन न्यूज कि चाइना में एक कंपनी है रेनबो एग्रो करके ये कंपनी पायराक्सो सल्फोन नामक जो केमिकल है उसकी कैपेसिटी सेटअप करने वाली है सो द न्यूज़ वॉज कि चाइनीज कंपनी जो है रेनबो एग्रो वो अराउंड इंडियन टर्म्स में अगर हम बात करें तो साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली है टू तो कंस्ट्रक्ट अ तो पायराक्सा सल्फोन प्लांट सो so, ये जो आ, ये जो केमिकल है ये ऑफ पेटेंट जा रहा है कई सारे कंट्रीज़ में एंड उसी के वजह से जब ये जेनेरिक्स आ जाते हैं तो चाइनीज कंपनीज दे ऑल स्ट्राइव टू गेट अ पार्ट ऑफ दिस ऑफ द न्यू जेनेरिक्स दैट कम्स टू द मार्केट सो ऐसा जा रहा है कि कंपटीशन जो है वो बढ़ जाएगी इसी वजह से ये स्टॉक प्लमेट हुआ था लेकिन अगर हम कंपनी के पायराक्सो सल्फोन बिजनेस की बात करें तो पायराक्सो सल्फोन कंपनी मेजरली बनाती है क्यूमिया केमिकल्स के लिए क्यूमिया केमिकल्स एक जापनीज कंपनी है जिसका एक प्रोडक्ट है एक्सीव एक्सिव ये जो है वो पैरेक्सो सल्फोन का ही एक फॉर्मूलेशन है सो तो लास्ट अगर कुछ सालों की आप ट्रेंड देखते हैं तो 2018 से लेकर 2023 में क्यूमिया केमिकल्स ने कहा था कि उनके जो एक्सिव का सेल है वो 29% नाइन का ग्रोथ रजिस्टर किया है और 2023 के बाद कंपनी ने बताया था कि वो 5% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ़ द एंट्री ऑफ जेनेरिक्स इन दिस बिजनेस अगर कंपनी के लेटेस्ट नंबर्स की बात करें सो दे फॉलो अक्टूबर ईयर एंड सो उस अभी जो थ्री क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आए उसके बाद कंपनी ने बताया कि उनका जो इनिशियल uh, फोरकास्ट था सेवेंटी बिलियन यन्स ऑफ एक्सिव सेल्स दे हैव रिड्यूस टू सिक्सटी बिलियन यन इन टू 84. Uh, अभी भी कंपनी बोल रही है कि जो 2026 का आउटलुक है, वो अभी भी स्टेबल है 84.2 बिलियन येन का और यहाँ से वर्ड थिंग स्टैंड्स एज ऑफ नाउ, यहाँ से अभी नेक्स्ट टू इयर्स में 11% का ग्रोथ इस सेगमेंट में क्यूमिया केमिकल्स एक्सपेक्ट कर रहा है। सो so, अगेन uh, जो जेनेरिक्स की एंट्री है इसके बारे में काफ़ी चर्चा होती है व्हेन इट कम्स टू तो, पायरासो सल्फोन सो so, ऑलरेडी कुछ मेजर कंट्रीज़ में ये जो ड्रग है या ये जो केमिकल है दैट हैज़ गॉन ऑफ पेटेंट सो अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में ऑलरेडी जेनेरिक्स की एंट्री हो गई है जो एक्सिव के तो टोटल सेल्स का ट्वेंटी का कॉन्ट्रीब्यूशन लाते हैं सबसे बड़ा अगर जोग्राफी देखें तो अगेन नॉर्थ अमेरिका है यहाँ पे जो पेटेंट प्रोटेक्शन है दैट इज़ वैलिड एंट्री 2025 यानी कि 2026 से यहां से यहाँ पे जेनेरिक्स की एंट्री होगी इन नॉर्थ अमेरिका और वही ब्राजील की अगर हम बात करें तो 2030 में यहां पे प्रोटेक्शन uh, मिल uh, है पेटेंट्स को सो नेक्स्ट फाइव सिक्स इयर्स अभी भी ब्राज़ील में uh, हमें यहाँ पे पेटेंटेड प्रोडक्ट्स का ही सेल देखने को मिलेगा पायरॉक्सो सेल्फोन जब जेनेरिक uh, हो जाएगा तो इसके बाद इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व होगी इसके अगर बात अगर हम करना चाहें तो एक और क्यूमियाई uh, केमिकल्स का ही एक केमिकल uh, हुआ करता था नॉमिनी uh, जो अभी भी है सो नॉमिनी बेसिकली अगर इंडिया की परस्पेक्टिव से बात करें तो टू में यहाँ पर जेनेरिक्स के एंट्री हुई और 2016 में कंपनी का नॉमिनी का जो सेल था वो पिक किया था उसके बाद कट uh, टू 2023 कंपनी का जो नॉमिनी का सेल है वो मार्क अभी भी 82 का रेवेन्यू एज कंपेयर टू 2016 वो कर रहा है एंड द uh, जेनरिक्स जो है वो ऑलमोस्ट 80 का रेवेन्यू यहाँ पे कर रहा है तो मार्केट शेयर लॉस तो होना ही है जस्ट जेनेरिक्स जस की एंट्री आती है और कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है वो नेगेटिव uh, भी हो सकती है या जो थर्टी परसेंट का ग्रोथ देखने को मिला था वो हमें सिंगल डिजिट में भी देखने को मिल सकता है इफ थिंग्स टर्न्स ब्राइट ऑन अ ब्राइटर साइड सो so, कंपनी uh, का ये कहना है कि यूएस मार्केट जहाँ सबसे ज़्यादा एक्सीव का सेल्स आ रहा है तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि वो प्राइवेट ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हैं फॉर एग्जांपल क्यूमिया अगर इंडिया में उन्हें ऑपरेट करना है तो पीआई इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट ब्रांड बनाने का एक परमिशन uh, देती है क्यूमिया केमिकल्स पी इंडस्ट्रीज़ एक प्राइवेट ब्रांड बनाती है और उसी से वो जैसे नॉमिनी के केस में हुआ है तो नॉमिनी गोल्ड एक प्राइवेट ब्रांड है पी इंडस्ट्रीज़ का जिसका

सो बेसिकली एक ही प्रोडक्ट को थोड़ा सा ट्विक करके उसी मार्केट में लॉन्च कर रहा है सो द स्ट्रैटेजी ये इज कि अगर आ, कोई जेनेरिक आता भी है इन यू एस इन नेक्स्ट टू आफ्टर नेक्स्ट टू ईयर्स तो ऑलरेडी मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि आ, जो मार्केट शेयर है जो दो मतलब एक प्लेयर से दो प्लेयर होने चाहिए थे वो छः प्लेयर से सात प्लेयर पे होगा सो so, जो न्यू प्रोडक्ट है या न्यू जेनेरिक वाला जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा ऐसी स्ट्रैटेजी एक्सिव के द्वारा एक्सीव के बिजनेस के रिगार्डिंग क्यूमिया केमिकल्स यहाँ पे प्ले कर रहा है इसके साथ अगर हम पीआई इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट का व्यू देखें इस इस पर्टिकुलर टॉपिक पर कि जो रेनबो एग्रो ने रेनबो एग्रो के एंट्री हुई तो उसके बाद जो कंपनी का एनालिस्ट मीट हुआ तो उस कॉन कॉल के कुछ एक्सपर्ट्स एक्सर्ट्स यहाँ पे मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ सो कंपनी के जॉइंट एमडी जो है मिस्टर रजनीश सरना तो उन्होंने ये कहा है कि uh, बहुत सारी कंट्रीज़ में ये ऑलरेडी ऑफ पेटेंट हो चुका है ये प्रोडक्ट और कुछ मेजर कंट्रीज़ में नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में uh, ये ऑफ पेटेंट चले जाएगा जैसे कि हमने देखा कि यूएस और ब्राज़ील में ऑलरेडी ये चीजें चल रही है इसके बाद मैनेजमेंट कहता है कि आ, जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है आ, वो कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन के जरिए उसकी पेटेंट लाइफ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है तो so, जैसे हमने देखा कि प्राइवेट ब्रांड्स लॉन्च हो रहे हैं और मिक्स्ड फॉर्मुलेशन जो है वो लॉन्च हो रहे हैं इन द यूनाइटेड स्टेट्स तो वही चीज कंपनी यहां पर रिट्रेड कर रही है Uh, उस, उसके साथ साथ कंपनी ये कह रही है कि uh, uh, मतलब ये जो कैपेसिटी चाइना में अभी आई है सो दिस इज नॉट द सोल कैपेसिटी दैट इज दैट इज़ गोइंग टू कम अप और भी कैपेसिटीज अभी यहाँ अक्रॉस द ग्लोब और आ सकती है लेकिन इस कैपेसिटी में कितना ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा दैट विल बी एक्चुअल कॉम्पिटिशन फॉर देम सो कितनी कैपेसिटी एक्चुअली इन प्ले आती है नेक्स्ट सेवरल ईयर्स में दैट दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द कंपनीज पोजिशन फॉर फोन थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कंपनी ने हाईलाइट किया कि जब भी कोई पेट कम कोई भी प्रोडक्ट ऑफ पेटेंट होता है तो उसका जो मार्केट है वो रैपिडली ग्रो होना चालू कर देता है सो so, कंपनी uh, का मानना है कि uh, पायराक्सो सेलफोन का सेगमेंट है इट्स अ मल्टी बिलियन डॉलर सेगमेंट और इसका करंट वैल्यू देखें इस मार्केट का करंट वैल्यू देखें तो इट इज अराउंड 600 टू 700 मिलियन सो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है एटलीस्ट थ्री टू फोर टाइम्स का ग्रोथ पूरे मार्केट में देखने को मिलेगा तो उसमें कंपनी भी एक अच्छी लीडरशिप पोजिशन बना सकता है बिकॉज कंपनी ही लास्ट आठ नौ सालों से इस सेगमेंट में है दे आर द लीडर इन दिस सेगमेंट एंड दे बी दे बिलीव दैट जब मार्केट ग्रो होगा सो दे बी वेल प्लेसड बिकॉज ऑफ़ देर एग्जिस्टिंग एक्सपर्टीज इन दिस सेगमेंट इसके साथ कंपनी ये भी कह रही है कि एक्सपोर्ट वाला जो इनका सेगमेंट है जो इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है वो एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं होता है कंपनी के पास आज की तारीख में लगभग 20 से 22 प्रोडक्ट्स हैं इनके एक्सपोर्ट सेगमेंट में और uh, अगर हम कंपनी का रीसेंट ट्रेंड देखें तो पाँच से छः प्रोडक्ट कंपनी एवरी ईयर लॉन्च कर रहा है सो तो, uh, ये जो ट्रेंड था हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो दो से तीन प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च लौ, कर रहे थे लेकिन आर एंड डी फोकस बढ़ने के बाद से कंपनी अभी फाइव टू सिक्स प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ़ द इंक्रीज डिफिशियंसीज एंड द इंक्रीज स्केल ऑफ बिजनेस अगर हम एफ आई ट्वेंटी फोर की बात करें तो कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सिक्स न्यू मॉलिक्यूल्स लॉन्च किए थे सो so उनके अगर हम नाम देखें तो इकेत्सु क्लैरट एमिनोग्रो कैडेट पी बी नॉट एंड पी आई आई एल आई एन ये जो एक केमिकल है तो so, ऐसे छः मॉलिक्यूल्स कंपनी ने यहाँ पे जनरे यहाँ पे लॉन्च किए इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर सो एज एन इन्वेस्टर नेक्स्ट पार्ट जिस जिसपे हमने फोकस करना चाहिए दैट इज़ द न्यू बिजनेस वेंचर दैट द कंपनी हैज एंटर्ड इन टू सो कंपनी का जो फार्मा बिजनेस है इसमें कंपनी ने एंट्री ली है इन एफ आई ट्वेंटी फोर लेकिन ये जो एंट्री है वो इमिडिएट एंट्री नहीं थी ये काफी प्लान एंट्री थी सो टू थाउजेंड ट्वेंटी के जुलाई मंथ में कंपनी ने ऑलमोस्ट टू थाउजेंड क्रोस का क्यू आई पी रेज किया था विच वॉज मेजरली टू सपोर्ट देर फार्मा बिजनेस इसके बाद कंपनी ने कुछ एक्विजिशंस करने का ट्राई किया था बट दीज एक्विजिशन फॉर सम और दी अदर रीजन्स दे गॉट रिजेक्टेड जो कंप्लीट नहीं हो पाए उसके बाद कट टू एफ आई ट्वेंटी फोर कंपनी ने ऑलरेडी कुछ एक्विजीशंस कर लिए और अपना फार्मा बिजनेस में इन्होंने एंट्री ले ली है सो so, uh, इस बिजनेस में कंपनी कहाँ प्लेस्ड है इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो कंपनी दो सेगमेंट में काम कर रही है एक एक सी आर ओ एंड द सेकेंड इज द सी डी एम ओ या सी एम ओ बिज़नेस सो सी आर ओ बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाली सर्विसेज जो कंपनी दे रही है सो so, कोई भी ड्रग डिस्कवरी होती है उसके प्री क्लिनिकल स्टेजेस तक के कंपनी यहाँ पे काम करती है यानी कि टारगेट आइडेंटिफाई करना वहाँ से लीड डिस्कवरीज करना मेडिकल केमिस्ट्री पे काम करना और प्ली क्लिनिकल स्टडीज़ पर काम करना ये सारे काम कंपनी कहती है इसके बाद जो ग्लोबल कंपनीज है जो बड़े बड़े इनोवेटर्स uh, है वो फॉर्मुलेशन्स डेवलप करते हैं सो नेक्स्ट पार्ट जो कंपनी का वो आता है दैट इज़ आफ्टर द रिसर्च हैज़ बिन कंप्लीटेड सो जैसे ही हमने देखा था कि केमिकल uh, बिज़नेस में इनोवेटर्स मॉलिक्यूल्स डेवलप करते हैं और उसके बाद पिया इंडस्ट्रीज केमिक एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स डेवलप करती है तो so, वैसे ही इन द फार्मा बिजनेस ऑल्सो कंपनी भी उसी तरह प्लेस्ड होना चाहती है बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस फॉर देम तो जैसे बड़े इनोवेटर्स जो है वो अपने फार्मेशन डेवलप कर लेते हैं उसके बाद कंपनी उस उन फ को डेवलप करती है उसको स्केलिंग करती है सो दिस ऑल थिंग्स दे डू इन द केमिकल बिजनेस एज वेल तो उसके बाद अपना ये एक इंटरमीडिएट एंड ए का प्रोडक्शन करती है सो so, uh, ये जब प्रोडक्शन हो जाता है इसके बाद जो वापस फार्मा कंपनीज है, वो इन इन ए से एक फार्मलेशन बनाते हैं जिसे हम दवाइयों के रूप में देखते हैं सो so, ए uh, का जो कोर सेगमेंट है जहाँ पे अगेन जो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है जो बड़ी फार्मा कंपनीज जो है वो आउटसोर्स करना चाहती है तो वही उसी सेगमेंट में कंपनी यहाँ पे प्ले कर रही है जहाँ जैसे ही जैसे वो एग्रोकेमिकल के वैल्यू चेन में प्लेस्ड है सो so, कंपनी के एक्विजीशन की बात करें तो कंपनी की जो पी आए, हेल्थ साइंसेज नामक जो होली ओन सब्सिडियरी है और इसकी जो स्टेप डाउन सब्सिडियरीज है इनके थ्रू चार एक्विजीशन कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल में किए हैं सो so, तीन जो एक्विजिशन है वो है थेराकम रिसर्च मेडिल ऐप टी का जो ये जो कंपनी है तो उनका इंडियन सब्सिडियरी इनकी एक यूएस सब्सिडियरी सॉलिस फार्मा और इनके टी आर uh, का जो एसेट्स है ऐसे तीन एक्विजिशंस कंपनी ने यहाँ पे किए हैं इसके साथ साथ कंपनी ने पी आई हेल्थ साइंसेस नेदरलैंड्स वाली जो इनकी स्टेप डाउन सब्सिडियरी है उसके थ्रू एक आर्कमिका एस करके एक कंपनी को एक्वायर किया है सो so, uh, अगर हम कंसिड्रेशन के टर्म्स से बात करें सो so, uh, पहला जो टी आर एम यू एस वाला जो कंपनी uh, है उसकी जो इंडियन सब्सिडरी इन्होंने एक्वायर uh, करी दैट इज़ फॉर अराउंड थ्री थर्टी सिक्स क्रोर्स उसके बाद सॉलिस फार्मा जो अनदर इंडियन सब्सिडरी है ऑफ टी आर एम यू एस तो उसके लिए ट्वेंटी फोर क्रोर्स टी आर एम यू एस की एसेट्स के लिए फोर्टी करोड़ और टू हंड्रेड का रेवेन्यू शेयरिंग ओवर द नेक्स्ट सिक्स ईयर्स का कंसिड्रेशन है सो so, आर के लिए ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड एंड एट का कंसिड्रेशन uh, कंपनी ने यहाँ पर पे, पे किया है सो ऑलमोस्ट एक हज़ार करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट uh, कंपनी ने इन इन चार एक्विजिशन के लिए ऑलरेडी कर लिया है लेकिन इसके साथ साथ हमें ये समझना भी ज़रूरी है कि 2000 करोड़ तो कंपनी के पास ऑलरेडी थे जो उन्होंने क्यू से रेस किए उसके साथ साथ दिस इज़ अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी तो उस वजह से कंपनी के कैश फ्लो जो है वो भी अच्छे स्ट्रॉन्ग है तो कैश पावर जो है कंपनी का वो अभी भी ऑन अ ऑन अ हाइस्ट साइड है और ये एक्विजिशंस होने के बाद भी कंपनी के पास अभी भी काफ़ी स्कोप है टू एक्वायर न्यू बिजनेसेस इन फार्मा एंड केमिकल स्पेसिस दैट दे वॉन्ट ऑपरेट इन सो कंपनी के मैनेजमेंट की अगर वापस से बात करें कि मैनेजमेंट का फार्मा बिजनेस पे कैसा आउटलुक है सो इन वेरियस कॉन्कॉल्स में कंपनी ने अलग अलग जगह मेंशन किया है कि सबसे पहले उनका जो ऑब्जेक्टिव है कि नेक्स्ट फोर टू फाइव ईयर्स में जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 20 टू 25 परसेंट ऑफ द रेवेन्यू शुड बी फ्रॉम नॉन एग्रोकेमिकल एरियाज़ सो ओवरऑल रेवेन्यू मिक्स में 20 से 25 परसेंट का कंट्रीब्यूशन वो लोग यहाँ पे देख रहे हैं सो नॉन एग्रोकेमिकल या सी uh, एक्सपोर्ट्स को हटा दे तो उसके बाद uh, Uh, जो कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है वो 25 परसेंट फॉर्म करना चाहिए ऐसा उनका टारगेट है सो तो उसमें जो चीज़ आती है जो उनका फार्मुलेशन्स वाला बिजनेस है वो आता है इसके साथ साथ जो फार्मा वाला बिजनेस है वो भी आता है और इसके साथ साथ कंपनी कुछ इलेक्ट्रॉनिक केमिकल्स में भी बनाती है तो वो उसका रेवेन्यू भी इन इसी सेगमेंट में आएगा जो उनका ट्वेंटी टू ट्वेंटी का टारगेट है उसके अंडर नेक्स्ट uh, कंपनी ने एक और चीज़ बताई है कि अभी ऑलमोस्ट एक साल हुआ है ये सारे एक्विजिशन होने को और इसके बाद भी next एक डेढ़ साल कंपनी uh, का ये जो बिजनेस है वो डेवलपमेंट फेज में ही रहेगा बिकॉज जब कंपनी ने ये सारे एसेट्स एक्वायर किए तो ये फुली फ्लेज ये फुल फ्लेज uh, तरीके से ऑपरेशनल होने में अभी भी एक से डेढ़ साल का वक्त और लगने वाला है इस लेकिन कंपनी ने एक चीज़ गाइड की है कि 25% परसेंट का रेवेन्यू ग्रोथ वह फार्मा बिजनेस में देखना चाह रहे इन एफ आई तो इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का आउटलुक जो है वो स्ट्रांग है और कंपनी कंसिस्टेंटली भी ऐसा ही रेवेन्यू ग्रोथ नेक्स्ट फोर फाइव ईयर्स में देखना चाहती है ऐसा मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस है इसके साथ साथ अगर हम मार्जिन प्रोफाइल की बात करें तो फार्मा बिजनेस अभी तो कंपनी ने के मैनेजमेंट ने यह बताया था कि उन्होंने आ, वो अभी कोई मार्जिन गाइडेंस नहीं दे सकते जब तक कि ये डेवलपमेंट फ़ेज़ में है लेकिन पोस्ट द डेवलपमेंट फेज़ एटलीस्ट ट्वेंटी परसेंट का एबिडा टर्म्स में मार्जिन ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द फार्मा बिजनेस एंड दिस कैन ऑल्सो गो अप टू ट्वेंटी फोर परसेंट दिस इज़ वॉट द मैनेजमेंट हैज़ इंडिकेटेड कंपनी का जो आर एन डी फोकस है दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीज इन द लास्ट थ्री फोर ईयर्स सो टोटल अगर हम आर एन डी स्पेंड की बात करें तो ऑलमोस्ट ट्वेल्व परसेंट ट्वेल्व एंड हाफ परसेंट का एक्सपेंडिचर कैगार यहाँ पे देखने को मिला है लास्ट थ्री ईयर्स में नंबर ऑफ साइंटिस्ट जो है कंपनी के वो टू ट्वेंटी एट से बढ़ के फाइव सिक्सटी वन पर आ गए एज ऑफ एज ऑफ द एंड ऑफ एफ आई ट्वेंटी फोर थर्टी फाइव परसेंट का सी ए जी आर ग्रोथ है इन द नंबर ऑफ साइंटिस्ट सो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च में फोकस किया है कंपनी ने इसके साथ साथ जो पी एच डीज है डॉक्ट्रेट जो है इनके पास वो वन थर्टी से इंक्रीज होकर टू हंड्रेड पर आ चुके हैं एज ऑफ द एंड ऑफ एफ आई ट्वेंटी फोर और अगर हम कंपनी के मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट्स की बात करें सो मॉलिक्यूल्स इज़ इन दिया एक्सपोर्ट बिजनेस लास्ट फोर इयर्स में कंपनी ने एफ आई ट्वेंटी वन में फाइव फिर नाइन फिर फोर एंड एफ आई ट्वेंटी फोर में सिक्स मॉलिक्यूल्स कमर्शलाइज़ किए हैं उसके साथ जो डोमेस्टिक बिजनेस है वहाँ पर एफ आई ट्वेंटी वन में टू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए उसके बाद एफ आई ट्वेंटी थ्री में सेवन और एफ आई ट्वेंटी फोर में भी सेवन प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं कंपनी ने सो so, नेक्स्ट uh, एक और वेंचर जो कंपनी जिस एंड जिस एंड पे काम कर रही है दैट

उंड 11 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू है और सिक्सटी परसेंट के ग्रॉस मार्जिन पे कंपनी ऑपरेट कर रही है फॉर एज ऑफ द ईयर एंडेड डिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री और इसका जो ग्रो, ग्रोथ ग्रोथ आउटलुक है पीएचसी का फॉर 2024 वाज अराउंड 20 परसेंट इन टर्म्स ऑफ देयर रेवेन्यू सो ये कंपनी जो है ये प्योरली बायोलॉजिक सेगमेंट में काम कर रही है सो बायोलॉजिक्स इज नथिंग बट द नेचुरल फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स जहाँ पे प्लांट बेस्ड फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं एंड ये जो बायोलॉजिक्स वाले इंडस्ट्री है सो so, ये एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है ग्लोबल इंडस्ट्री ही थर्टीन से ग्रो हो रही है आ, नेक्स्ट चार साल यानी कि 2028 तक डेढ़ लाख करोड़ की बायोलॉजिक्स की इंडस्ट्री हो सकती है सो so, अभी जो करंट मार्केट सिनेरियो है तो यूएस और लैटिन अमेरिका जो है वो 52% परसेंट फॉर्म करता है इस ओवरऑल इंडस्ट्री का एंड uh, अगर कंपनी के इस एक्विजिशन की बात करें तो पी के लिए कंपनी ने लगभग 32.8 मिलियन पाउंड्स यहाँ पे कंपनी ने कंसिड्रेशन ऑफर किया है एंड ये जो फंडिंग है इस कंसिड्रेशन की दैट विल अगेन भी थ्रू द यूज़ ऑफ दियर क्यू आई पी प्रोसीड्स सो so, बायोलॉजिक्स ये नया सेगमेंट नहीं है कंपनी के लिए इनके पास ख़ुद के कुछ बायोलॉजिक्स प्रोडक्ट्स भी है फॉर एग्ज़ाम्पल रैपी एग्रो करके इनका एक प्रोडक्ट है फिर जीवन एन सॉल जैसी कंपनीज है प्रोडक्ट्स है जो इनके ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है सो so, अराउंड आठ दस प्रोडक्ट्स तो ये लोग इनके पास ऑलरेडी है एंड ये पी का सेगमेंट आने के बाद कंपनी और ज़्यादा बायोलॉजिक्स पे भी फोकस करने का तो यहाँ पे उनका आउटलुक दिख रहा है सो बायोलॉजिक्स बेसिकली जो मार्जिन है इस सेगमेंट में वो ऑन अ हायर साइड है एंड द ग्रोथ इज ऑल्सो डिसेंट ग्लोबली अगर थर्टीन परसेंट की ग्रोथ है एंड फॉर अ न्यूअर एंट्रेंट द ग्रोथ कैन बी ऑन अ हायर साइड बट अगेन दिस कैनॉट बी अ वेरी बिग स्केलर इन द इमीडिएट कमिंग फ्यू ईयर्स सो बट अगेन दिस इज़ अ न्यू इनिशिएटिव जो लॉन्ग रन में शायद एक अच्छा कंपनी के लिए एक सेगमेंट बन सकता है इन इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिक सेगमेंट कंपनी के फैनेंशियल्स की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको इस कंपनी की बैलेंस शीट के पास ले जाना चाहूँगा सो कंपनी के जो एसेट्स है उसमें 37 परसेंट है कैश बैंक एंड इन्वेस्टमेंट्स सो लगभग चार हजार करोड़ का इन कैश बैंक और लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स है कंपनी की एंड ऑल दिस ऑल दिस इज मेकिंग अराउंड फोर थाउजेंड करोड़ रुपीज सो दिस इज द फायर पावर दैट द कंपनी हैज़ फॉर दियर एक्विजिशंस एज ऑफ एफ आई की बात करें हम तो इसके बाद कंपनी ने प्लांट हेल्थ केयर का एक एक्विजिशन ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है और और भी ज़्यादा एक्विजिशंस करने की कैपेसिटी ये कंपनी अपने पास रखती है अगर लाइब्रेटी साइड पर देखें तो सबसे ज़्यादा पोर्शन है इक्विटी का नॉन करेंट लाइब्रेटीज जो है वो सिर्फ थ्री परसेंट पर है तो कंपनी टेक्निकली नेट डेट फ्री है और uh, यहाँ पे ट्रेड पेबल्स है जो 11 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है ऑफ दैट ओवरऑल बैलेंस शीट सो रिटर्न रेशियोज़ की अगर हम बात करें तो एफ आई ट्वेंटी के बाद यानी कि एफ आई ट्वेंटी वन एफ आई ट्वेंटी टू ये दो साल में कंपनी के आर ओ ई आर ओ सी दोनों ही डिक्लाइन होते हुए नज़र आए इसका ये रीज़न था कि कंपनी ने जब क्यू आई पी किया तो इनका जो कैपिटल uh, वेस है वो बहुत बढ़ गया और उसको यूटिलाइज होने में अभी भी uh, समय लग रहा है सो so, एक डिलेड यूटिलाइजेशन ऑफ़ फ़ंड्स यहाँ पे uh, कंपनी के रिटर्न रेशियोज को uh, नीचे की तरफ ले आया था लेकिन एफ आई ट्वेंटी थ्री और एफ आई ट्वेंटी फ़ोर में इम्प्रूवमेंट्स भी देखने को मिली है सो मेजर रीज़न फॉर दिस इम्प्रूवमेंट्स वॉज द मार्जिन दैट द कंपनी हैज सीन सो कंसिस्टेंटली जो मार्जिनस थे कंपनी के वो अराउंड फोर्टी फाइव परसेंट के ग्रॉस मार्जिनस पे कंपनी ऑपरेट कर रही थी और अभी जो मार्जिन एफ आई ट्वेंटी फोर में आए हैं दैट हैज कम अराउंड फिफ्टी परसेंट उसी का इफ़ेक्ट है कि जो कंपनी के इबिडा मार्जिन है वो ऑन अ राइजिंग ट्रेंड पे है कम ये मार्जिन थोड़े थोड़े ही क्यों ना लेकिन कंसिस्टेंटली बढ़ रहे थे तो ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे इबिडा टर्म्स में और नेट प्रॉफिट टर्म्स में तो देखने को मिल ही रहा था लेकिन जो सडन स्पाइक आया है इन द ग्रॉस मार्जिन तो उसके वजह से इबिडा और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हुए हैं लेकिन कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो अराउंड ट्वेंटी का जो मार्जिन आया है इन एफ ये आगे जाके

तो रेवेन्यू टर्म्स में कंपनी का जो ग्रोथ है वो लास्ट फाइव ईयर्स में ट्वेंटी टू परसेंट पे था लेकिन लास्ट थ्री ईयर्स में एटीन परसेंट पे आ चुका है ऑलमोस्ट नाइनटीन परसेंट पे आ चुका है सो लास्ट थ्री ईयर्स में जो ग्रोथ मोमेंटम है वो थोड़ा सा स्लोअर होते हुए नजर आया है इबिड्डा टर्म्स में अगर हम देखें तो 29 परसेंट का फाइव ईयर सी ए जी आर है और 26 परसेंट का थ्री ईयर सी एच जी आर है एंड वही नेट प्रॉफिट के टर्म्स में 33 परसेंट का कैगार फाइव ईयर्स में देखने को मिला है और थ्री ईयर्स में 32 परसेंट का सी एची आर देखने को मिला है मार्जिन एक्सपांशन की वजह से ही कंपनी का जो एबिड्डा और नेट प्रॉफिट ग्रोथ है दैट हैज़ बिन हायर दैन देयर रेवेन्यू ग्रोथ लेकिन अभी मार्जिन जो है एबिडा टर्म्स में स्टेबिलाइज होते हुए नज़र आएंगे और नेट प्रॉफिट के टर्म्स में थोड़ा सा

इन टर्म्स ऑफ डिमांड तो इसी वजह से कंपनी ने 15% परसेंट का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है कंपनी uh, ये कह रही है कि जैसे साइकिल्स टर्न होगी तो 18 टू 20 परसेंट का कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ वो देखने देख सकती है इन आफ्टर दिस स्लैक पीरियड एंड्स अगर हम कंपनी के हिस्टोरिकल फाइनेंशियल्स की बात करें तो बीइंग बींग बीइंग इन अ साइकलिकल इंडस्ट्री हमें ऐसे कई बार ही देखने को मिला है कि uh, कुछ ईयर्स में थर्टी थर्टी की कंसिस्टेंट ग्रोथ आने लगती है दो तीन साल और उसके बाद जब साइकिल्स डाउन टर्न में होती है तो ये जो ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट या लोअर डब डिजिट पे आ जाती है तो दिस इज़ ए साइक्लिकल इंडस्ट्री और केमिकल्स में ये बहुत ही एक जेनेरिक ट्रेंड है जो हमें देखने को मिल सकता है अगर हम कंपनी के वैल्यूशन परस्पेक्टिव से बात करें तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो लास्ट वन ईयर में अराउंड थर्टी एट परसेंट का रिटर्न दिया है लास्ट टेन ईयर्स में दिस स्टॉक हैज़ कंपाउंडेड बाय ट्वेंटी सिक्स परसेंट तो और अगर हम देखें तो कहीं भी बहुत ज़्यादा लंपीनेस नहीं देखने को मिला है लास्ट टेन ईयर्स में द स्टॉक हैज़ कंसिस्टेंटली मूव अपवर्ड्स अभी लास्ट थ्री ईयर्स में थर्टीन फोर्टीन परसेंट का ही सी इस स्टॉक ने दिया है लेकिन जैसे ही फंडामेंटल्स चेंज होते हैं ओवरऑल ग्लोबल सीनार चेंज होते हैं तो दर थिंग्स कुड लुक क्वाइट डिफरेंट बट फॉर दैट फंडामेंटल ग्रोथ हैज़ टू हैपन बिकॉज स्टॉक प्राइस विल अल्टीमेटली फॉलो द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी सो पी रेशियो के अगर अगर हम बात करें तो करेंटली कंपनी ट्रेडिंग एट अराउंड फोर्टी का पी ई लास्ट थ्री ईयर्स में फोर्टी फोर्टी फाइव का पी रेशियो /E um, का मीडियम रेंज रहा है वहीं फाइव इयर्स में फोर्टी का मीडियम पी यहां पर देखने को मिला है टेन इयर्स की अगर हम बात करें ऑन अ लॉन्गर होराइजन ये स्टॉक थर्टी एट के मीडियम पी पे रहता है सो करेंटली द कंपनी ये जो स्टॉक है वो अपने मीडियम लेवल्स के कहीं ना कहीं आस पास है एंड विच कुड बी कंसिडर्ड एज अ फेयर वैल्यूशन सो दिस इज़ नॉट अ वेरी ओवर वैल्यूड कंपनी और जो पी रेशियोज़ है दोज़ आर प्योर रेशियोज़ यहाँ पर कोई वन ऑफ चीज़ें नहीं है कंपनी के फाइनेंशियल्स में सो so, uh, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है सो ओवरऑल कंपनी के पर्स स्पेक्टिव से अगर हम बात करें तो अगर ग्रोथ अच्छी आती है एंड द वैल्यूएशन सीम्स राइट देन इट कुड बी अ गुड इन्वेस्टमेंट सो आई होप आपको पी आई इंडस्ट्रीज़ का ये डिटेल रिव्यू पसंद आया होगा इस कंपनी के बारे में अगर आपने पहले नहीं समझा है तो आप हमारा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं जो परिमल सर के चैनल पर जिनका जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आ, सो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हो आ, जिसमें आपको इस कंपनी के बिजनेस के बारे में और ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लनेशन देखने को मिलेगा दिस वॉज मोस्टली अ फोकस्ड वीडियो कि कंपनी की क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है एंड अभी कंपनी के वैल्यूशन वगैरह कैसे लग रहे हैं तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा आपके व्यूज मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए है इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ थैंक यू